अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका शेफ इरफान दास्ती। उम्मीद करता हूं लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। जनाब, ईद गुजर चुकी है और ईद की मज़ेदार रेसिपीज़ हमने डाली थी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फीडबैक आया है। आप लोगों ने बनाई भी, उनको पसंद भी किया और काफ़ी सारी फरमाइशें भी आ गई हैं कि मज़ीद क्या कुछ हमें करना चाहिए। आप लोगों का फीडबैक ही है जिसको देखते हुए हम बहुत सारी चीज़ें बना रहे होते हैं। स्पेशली कुनाफा के लिए बहुत शुक्रिया, कुनाफा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है और लोग पसंद भी कर रहे हैं और आप लोगों का बहुत अच्छा फीडबैक भी आया है। तो इंशाल्लाह इस तरह और मज़ीद कुछ क्रिएटिव रेसिपीज़ आप लोगों के बनाते रहेंगे। आज हम बना रहे हैं टी केक। नया चलें, सेवरी बहुत हो गई और कुकिंग काफ़ी कर लिया, थोड़ा बेकिंग की तरफ आते हैं। तो टी केक बनाएंगे, मार्बल टी केक। मज़े की रेसिपी है, बहुत इजी है, बट वो कमर्शियल रेसिपी जो कि आप बाज़ार से जाके महंगा केक लेके आते हो, घर में खाते हैं, एज़ इट इज़ रेसिपी जो डिट्टो रेसिपी इंशाल्लाह बनेगी, तो आपने एंड तक फॉलो करना है। तो है ना, बेकिंग जब भी करेंगे, बेकिंग में एक चीज़ है मेजरमेंट, यानी कि हर इंग्रेडिएंट को आपने मेजर करना है, वज़न करना है। और पैटर्न रेसिपीज़ होती हैं जितनी भी बेकिंग की होती हैं, बस आपने वज़न का ख्याल रखना है, जो लिखा हुआ है उसी को आपने फॉलो करना है। ये केक की रेसिपी, इसमें 250 ग्राम बटर जाएगा, 250 ग्राम शुगर जाएगी और 250 ग्राम ही इसके अंदर जाएगा जनाब मैदा। ठीक है, तीनों चीज़ें हम वज़न होंगी, 6 अंडे इसके अंदर जाएंगे और कोई 7 ग्राम 8 ग्राम इसमें बेकिंग पाउडर जाएगा। और जब हम इसको मार्बल करने लगेंगे तो इसी में से बैटर निकाल के थोड़ा सा हम इसके अंदर मिला देंगे कोको पाउडर और ये हो जाएगा मार्बल। तो बिस्मिल्लाह करके हम डालते हैं इसमें बटर। बटर के साथ इसमें जाएगी जनाब शुगर। अच्छा, चीनी जो है मेरे पास थोड़ी सी मोटे दाने वाली है, लेकिन बारीक चीनी मिल जाए वो डाल सकते हैं इसके अंदर, लेकिन ये भी चल चल के जो है आराम से मेल्ट हो जाती है। अच्छा ना, अब इसको करेंगे बंद और धीमी आंच पे इसको चलाएंगे, लगभग कोई 12 से 15 मिनट ये चलेगा, चीनी का दाना ख़त्म हो जाएगा, तो फिर एक करके इसमें डालेंगे अंडे। अच्छा, थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने इसको रोक के खोलना है और ये जो साइड में लग जाता है सारा मिक्सचर हमारा चीनी का और बटर का, इसको आपने एक दफ़ा सेंटर में कर लेना है, 2 से 3 दफ़ा होगा तो इंशाल्लाह ये रेडी हो जाएगा। अच्छा, इसको फेंटना इतना है कि एक तो बटर का कलर चेंज हो जाएगा, वाइटनेस की तरफ आ जाएगा, फ्लफ़ी हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। आप ये समझें कि वॉल्यूम ये तकरीबन डबल हो जाएगा फ्लफ़ी होके ना, तो आपने इसको इतना ही चलाते रहना है। चलें जी, अब आपको दिखाते हैं कि बटर का कलर कैसा हो गया। देखें, वाइटनेस आ गई है, फ्लफी हो गया थोड़ा सा। अब इसको हमने धीमी आंच पे चलाना है और एक एक करके अंडा तोड़ के हमने इसके अंदर डालना है। सही है, पहले हमने बटर और शुगर को इतना चलाया कि चीनी का दाना तकरीबन ख़त्म हो जाए, बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा। जब हम एक एक करके अंडे डालेंगे इसके अंदर तो ये दाना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, अंडे एक एक करके जो डालने हैं वो कैसे डालना है, और अंडे भी हमने इसमें फ्रिज में रख के इस्तेमाल करना है चिल्ड। एक अंडा डाला, जब अंडा सही से मिक्स हो जाएगा ना, आपको नज़र आना बंद हो जाएगा कि यार अंडा गायब हो गया, तो फिर हमने दूसरा अंडा डालना है। इसी तरह करके हमने इसके अंदर 6 के 6 अंडे डाल देने हैं। अंडा प्याली में इसलिए तोड़ते हैं कि अगर गंदा अंडा निकले तो फिर हम उसको ना डालें। एक दफ़ा फिर ज़रा इसको साइड से हटा देते हैं और बेस में भी एक हाथ मारते हैं ताकि ये बेकिंग पाउडर जो है ये हम डाल देंगे मैदे में और इसको हमने मिक्स करना है और थोड़ा थोड़ा करके हम इसको डाल देंगे इस मिक्सचर में।
अच्छा, अब इस स्टेज पे थोड़ा सा हम इसमें येलो कलर डाल देंगे और डाल देंगे इसमें कोई हाफ टी स्पून वनीला एसेंस। चलें अब बकाया काम करेंगे, इसको बंद करके। चलें ये अटैचमेंट निकाल के इसको अच्छे साफ कर लें। चलें अब इसको अच्छे से आपने स्पैचुला की मदद से फोल्ड कर लेना है। ठीक है, इस किस्म का ये टेक्सचर आ जाएगा इसका। ठीक है, ये है डन। इसको हम डाल देंगे मोल्ड्स में। मोल्ड को आधा भरना है, हाफ, और हाफ ये वॉल्यूम ले जाएगा अच्छा खासा। एक ये आ गया मोल्ड हमारा, एक मोल्ड आ गया ये। मोल्ड पे हमने हल्का सा ऑयल लगाया, ग्रीस किया, और उसके बाद पेपर लगा दिया, और एक को हमने ग्रीस किया और उसके ऊपर हमने लगा दिया मैदा। अच्छा, थोड़ा सा मिक्सचर हमने छोड़ा इसके अंदर, इसमें मिला देंगे कोको पाउडर। अब ये वाला मिक्सचर हमने डालना है थोड़े थोड़े गैप से। चले अब हमने क्या करना है, इस तरीके से हमने इसको मिक्स कर देना। ये बन गया आपका मार्बल टेक्सचर। हल्का सा टैप करके इसको 180 डिग्री पे तकरीबन 35-40 मिनट ये बेक होगा। चलें डन, टैप कर लेंगे। अब ये जाएगा ओवन में। ओवन हमारा प्रीहीटेड है। चलें बिस्मिल्लाह करके चलें, ये अब ये बेक होगा 30-40 मिनट्स। मिलते हैं आपसे 40 मिनट बाद। चलें ये तकरीबन 35 मिनट्स हो चुके हैं हमारे यहाँ पर, और केक हम देख लेते हैं। माशाल्लाह, बेहतरीन तरीके से दोनों केक हमारे रेडी हो चुके हैं। चलें अब एक काम हमने ये करना है, जब केक निकालेंगे तो फौरन इस पर हमने ठंडे पानी का जो है स्प्रे कर देना है। इससे होगा क्या, केक हमारा बहुत अच्छा मॉइस्ट हो जाएगा। चलें अब इसको ठंडा करके इसको बोर्ड से निकाल के कट करके दिखाते हैं आपको। चलें इसको कहते हैं डीमोल्ड। बहुत सॉफ्ट मॉइस्ट बना है, खूब गर्म है अभी। चलें जी गरम गरम ही काटते हैं और इसको करते हैं सर्व। इनसाइड टेक्सचर आप चेक करें इसका, कितना खूबसूरत मार्बल आया। आई होप कि आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। इस रेसिपी को आपने ट्राई करना है, फीडबैक देना है, और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन का बटन भी दबाएं, ताकि जल्द से जल्द जो भी नई
रेसिपी है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़। सॉफ्ट, जूसी, मॉइस्ट बटर का बेहतरीन अरोमा, चाय के साथ तो मज़ा ही आ जाएगा।